पार्वती भोली एक काम करो, भोला तो तुम बन के जा नहीं सकत, भोली बन के जा सकत। तो भोले बाबा बोले हमें का करने है, तो पार्वती भोली धुन सबकी सुनी हुई है। एक लहरी तार चुनरिया माथे पे डाल के, एक लहरी तार चुनरिया माथे पे डाल के, और अब हो भोला एक काम करो, भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। पार्वती बोली नहीं अब नहीं लग रहे, कल और तन को श्रृंगार हर प्रकार को होते, लेकिन तुम्हार श्रृंगार का है जो श्रृंगार तो उतारो पहले कलने का बोली, कान में बिच्छू अरे कान में बिच्छू गले में माला चंदा का उजियाला, बोले जी उतार के दे दो नंद जी, तो देखो तो चली डराई है बता छिपकुली की लड़ाई से इतना डरा, अरे कान में बाला बिच्छू बाला करे मन की माला चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। और कंठ है नीला है गहरीला नाग ये काला काला, नाग ये काला काला, नाग ये काला काला। बोली पार्वती इन्हें सबको रख दो स्वामी, इन्हें सबको रख दो स्वामी कोठा में संभाल के, ऐसा करो भगवान इन्हें सबको रख दो स्वामी कोठा में संभाल के, भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली बेटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली बेटा निकाल के, हाँ भोला बन जाओ भोली बेटा निकाल के, भोला बन जाओ।
तो भोले बाबा ने ये सब चीजें उतार के रख दी। लेकिन पार्वती बोली के देखो इन चीजों से भी काम नहीं चले, तो बोली पार्वती सब कुछ छुप जाए छुपे से पर गंगा का पानी इसकी है हैरानी। बोली सब कुछ छुप गए पता चलो तुझे टुल्लू पंप को ऊपर बगाड़ दे चुके हैं तो भाई साड़ी भी दे। तो बोली पार्वती सब कुछ छुप जाए गच्छे से पर गंगा का पानी इसकी है हैरानी इसकी है हैरानी। और मर्दानी आवाज पिया तुम मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी। अब होते तो जा तो रहे हो कैसे नहीं करियो जब मैं आ गया हूं तो ठीक है मैं आ गई हूं। मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी कैसे करो जनानी जनानी। पकड़े न जइयो राजा पकड़े न जइयो स्वामी पकड़े न जइयो स्वामी मरे तानी चाल से भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के 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 भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। बाबा और पार्वती वो महाराष्ट्र में पहुंची तो कन्हैया भगवान ने देखो तो बोले देख कन्हैया ने चुटकी बजाई मुस्काए कन्हाई मुस्काए कन्हाई मुस्काए कन्हाई। बाबा कहते घूंघटार को सब जनी गई थी बिना घूंघट पर अब जितने जनी जनी को कार्यक्रम होगा तो उन्हें घूंघट को का काम है। तो कन्हैया भगवान ने देखो कि जे को हुए घूंघट में सब तो है बिना घूंघट में अरे सब तो आई बिना घूंघट में कौन सकी जे आई। अब भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि सब तो बिना घूंघट में है जे को है अरे सब तो आई बिना घूंघट में कौन सकी जे आई कौन सकी जे आई आई। पाले पड़े हो